हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेल आईटी 10000। मैं अभी हवा महल में आया हूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब तो नीलू की मिली हैं, तो मुझे लगा आप लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ें बतानी चाहिए। यहाँ पर आप स्कल्पचर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बांसुरी आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये दो लोग जो दो पेयर हैं ये डांस कर रहे हैं, यहाँ जो मुद्राएँ होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये वीणा देख सकते हैं, वीणा वादनी जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखे आप इसको झुंझुना या फिर झुंझुना कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दो लोग डांसर्स हैं यहाँ पे, एक बांसुरी वादक है और एक डफली वादक है यहाँ पर, और एक यहाँ पर आपका ढोलकी वादक है। ये कुल 6 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों का ये पेयर, ये 10वीं सदी का है। हर्षनाथ सीकर में ये जो स्कल्पचर है ये मिला था और लाकर यहाँ पर इसको लगाया गया। दूसरा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये एक लेडी है जो मंजीरा यहाँ पर बजा रही है, हाथ में के मंजीरा है राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, और ये जो पोस्चर आप देख सकते हैं खड़ा करके लगाया गया, नीचे से लटा कर लगाया गया, ठीक है। ये स्थानक मुद्रा में, स्थानक मुद्रा होती है ये, इसमें ये लेडी है ये मंजीरा बजा रही है। आमेर में ये स्कल्पचर लगा हुआ था, अभी फिलहाल यहाँ पे ये लगाया गया। ये 17वीं शताब्दी का है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी हमारे पास कुछ ऐसे मूर्तियाँ बनी हुई हैं अलग अलग पोस्चर में जो म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि यहाँ पर वीणा वादनी है, शहनाई वादक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये शहनाई वादक है या बांसुरी भी कह सकते हैं, तो ये वीणा वादक है यहाँ पर। और यहाँ पर एक गणेश जी के यहाँ पर थोड़ी सी आप मूर्ति देख सकते हैं पीछे बना हुआ है। कुछ यहाँ पर देखिए शहनाई वादक आपको देखने को मिल सकता है। 17वीं शताब्दी में शहनाई का जो इंट्रोडक्शन था पहले से ही हमारे यहाँ ये म्यूज़िक में था। यहाँ पर ये मृदंग का कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मृदंग जैसा, ये मृदंग ही है आपको देखने को ये मिल रहा है, ये हाथ में मृदंग लिया हुआ इन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर एक ये डांसर है जो नृत्य करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको। और उसके बाद यहाँ पर आपको छोटा सा एक ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जो अभी तो इसका काफ़ी कुछ टूट सा गया है तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, लेकिन ये भी एक मुद्रा ही है जिसमें ये बैठे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक मुद्रा है, लेकिन ये थोड़ा सा ये कुछ टूटा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बांसुरी जैसा इनके हाथ में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो ये प्ले करते हैं। ऐसे आगे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप मृदंग देख सकते हैं, एक लेडी है जो मृदंग को लेकर पूरा आप देख सकते हैं। ये 17वीं शताब्दी का है जो कि आमेर फोर्ट में ये रखा हुआ मिला था, अभी फिलहाल इसको यहाँ पर रखा गया। आगे चलते हैं, ये पूरा का पूरा एक कल्चर पीछे तक है। अगर मैं राजेश इसको बोलूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके साथ में। और आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी बुक्स में गलत चीज़ें लिखी गई हैं, इसका आविष्कार पहले हुआ, इन्होंने किया, वैसे किया, ऐसे ही यहाँ पर आपका अमीर खुसरो के बारे में लिखा गया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पहले से ही थे। ये 10वीं शताब्दी के आसपास का इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी पहले का इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। यहाँ पर डांस करते हुए लोग गाना बजाना कर रहे हैं, तो म्यूज़िक हमारे यहाँ इंडियन क्लासिकल जो म्यूज़िक है ये हमारे यहाँ 1वीं शताब्दी उससे पहले ही काफ़ी डेवलप हो चुका था। आप सभी लोग देख सकते हैं आगे इस वक्त यहाँ भी आप देख सकते हैं ये डांस करते हुए लोगों को कुछ मूर्तियाँ हैं। ये छोटा सा आप कोई इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में है, यहाँ पर ये बजा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक ये देख सकते हैं, अब ये कुछ डफली टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिन्होंने हाथ में पकड़ रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये वीणा बजाते हुए आपको यहाँ पर ये देख सकता है। आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ डांस का पोस्चर है जहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ये वीणा ही है, इसमें तार तो एग्जैक्टली जैसे कि बनाया गया उसके अकॉर्डिंग देखें तो एक तार ही दिख रहा है यहाँ पर, एक तंत्री वीणा का ये कुछ हो सकता है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट, ये डांस का एक पोस्चर है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वीणा है या वीणा जैसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये सभी कुछ डांस के पोस्चर्स हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ में यहाँ पर इसको स्कल्पचर को बनाया गया। आगे भी कुछ डिज़ाइन है, आप इसको देख सकते हैं, इसको बहुत बारीकी से एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर किसी तथ्य पर पहुँचा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये रॉक है इसमें कुछ आयरन का भी कंटेंट है, क्योंकि यहाँ पर रस्ट लगे हुए हैं। तो उस टाइम पे 10वीं शताब्दी के या 17वीं शताब्दी के आसपास आयरन का भी हमारे पास है, लेकिन ये रॉक के अंदर ही है, इसलिए यहाँ पर आप रस्ट थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, रस्ट भी यहाँ पर लगा होगा। आप लोगों को पता है ये ट्राईफेरिक टेट्राऑक्साइड या फिर Fe2O3 जो फॉर्मूला होता है, आप रस्ट बोलते हो उसको, यहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं सितार, आपका सितार है यहाँ पर, तो सितार बोलते हैं वैसे एक तरह की वीणा है ये। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 तीन तार हैं, ये 3 तंत्री वीणा है जो आप लोगों को मैंने काफ़ी क्लासेस में पढ़ाई, इसमें देखिए 3 तार हैं,
बहुत ही बारीकी से इसको उभेर कर यहाँ पर रखा गया। ये 17वीं शताब्दी की जो स्कल्पचर आप देख रहे हैं 17वीं शताब्दी का है, जो कि आमेर फोर्ट में मिला था, जिसको यहाँ पर रखा गया। इसके पीछे आप अगर देखना चाहेंगे कि जो ये वीणा है, इसके पीछे ये छोटा सा एक पक्षी इन्होंने बनाया है, काफ़ी अच्छा, ये कुछ पैरट जैसा है, अभी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या है। थोड़ा सा इसको यहाँ से रख कर यहाँ पर इसको सेट किया गया, ताकि इसका जो आधार है इस पर बेस रोक सके।